दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट मोबाइल डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप के बारे में और इसके ज़रिए आप डॉक्यूमेंट स्कैन तो कर ही सकते हैं, साथ में पीडीएफ भी बना सकते हैं। तो इसका नाम जो है वो है कागज़ स्कैनर, जिसके ज़रिए आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे कि अगर आप लेक्चर अटेंड करते हैं तो लेक्चर नोट्स या कोई भी सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, आईडी कार्ड या अगर सिग्नेचर वगैरह स्कैन करना चाहते हैं तो वो भी स्कैन कर सकते हैं। या फिर आप अगर एक स्टूडेंट हैं और आपके दोस्त के पास नोट्स हैं तो आप वो नोट्स को स्कैन करके उनका पीडीएफ बना करके पढ़ सकते हैं। या फिर अगर एक टीचर हैं और अपने स्टूडेंट को अपना लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आप उनका स्कैन करके पीडीएफ बना करके उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस ऐप की जो सबसे ख़ास बात है, एकदम फ्री है और ये कैम स्कैनर ऐप का बेस्ट इंडियन अल्टरनेटिव है। तो चलिए सीखते हैं कैसे आपने इसके साथ में स्कैन करना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा ऐप कागज़ कैम स्कैनर, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप इसको ओपन करेंगे। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पर आपको बहुत सिंपल सा इसका इंटरफेस देखने को दिख जाता है। अब आपने कोई डॉक्यूमेंट अगर स्कैन करना है तो आपने प्लस आइकन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं आपको ज़रूरी परमिशन देनी होगी, तो आप इसको अलाउ कर दें। अब आप जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करना चाहते हैं अपने कैमरे को वहाँ पर लेकर जाएंगे कुछ इस तरह से, देन आपने जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है क्योंकि आपका बीच बटन होता है। और आपने अगर और कुछ भी स्कैन करना है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। देन आपने जो क्लिक किया था वो ये आपका पेपर होगा। अब आपने यहाँ पर फीचर मिल जाते हैं आपको, देखिए गैलरी से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिमिलरली जो है यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपने पेज को एडजस्ट भी कर सकता हूँ, रोटेट, तो इस तरह से आप रोटेट वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको यहाँ से एडजस्ट करके दिखा देता हूँ आपको, तो इस तरह से ये ऐप जो है एडजस्ट का भी आपको ऑप्शन देता है। अब आपका पेज एडजस्ट हो जाता है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पर कुछ जो है इफ़ेक्ट फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि मैजिक कलर 2 जो है वो सबसे बेस्ट है। यहाँ पर आपको ओरिजिनल भी मिलता है, मैजिक कलर 1 मिलता है, ग्रे मोड भी मिलता है और BNW भी मिलता है। तो जो कि बेस्ट यहाँ पर इफ़ेक्ट है वो मेरे को लगता है मैजिक कलर 2, जो कि एकदम PDF वाला वो देता है लुक। तो यहाँ पर आपने डन पर क्लिक करना है। जैसे डन पर क्लिक करते हैं आपका पेज जो है एकदम स्कैन हो जाता है। और अगर दूसरा पेज स्कैन करना चाहते हैं तो आप प्लस पर जाएंगे और सिमिलरली इसी तरह से आप अपनी टेक्स्ट बुक या कोई भी नोट्स वगैरह तो उसको भी यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। और अगर आपने बल्क में यहाँ पर स्कैन करना है तो प्लस में जाएंगे और यहाँ से आपको एक फीचर मिलता है गैलरी का। तो यहाँ से आप ऑलरेडी आपके पास जो फोटो क्लिक हुए हुए हैं आप उनको एक साथ में जो है वो स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप उनको सिलेक्ट करें, इंपोर्ट पर क्लिक करें और यहाँ से देखिए आपका एक ही पेज में एक ही बार में प्रोसीड करके आप स्कैन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कैसे आप इनसे पीडीएफ बनाएंगे। तो सिलेक्ट करें पेजेस को, जिन भी पेज को आप जो है पीडीएफ बनाना चाहते हैं। तो ये जो है स्कैन हुए पेज हैं हमारे, अब हम इसके साथ जो है वो पीडीएफ बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब किस में आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पर है आपको पीडीएफ फॉर्मेट। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये देखिए डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके आप किसी को भी सेंड कर सकते हो, खुद भी देख सकते हो, या सीधे आप इसको कहीं पर भी पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करते हैं अब आप यहाँ पर चाहे तो व्हाट्सएप पर या किसी भी और माध्यम से इसको सेंड कर सकते हैं और जो आपकी फाइल है वो पीडीएफ फॉर्मेट में जाएगी। अब कोई भी बंदा इसको यहाँ पर जिसको सेंड किया होगा वो यहाँ पर क्लिक करता है तो वो इसको सीधे पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ सकेगा और देख सकेगा। तो इस तरह से आपने करना है। सिमिलरली अब बात करते हैं कैसे आप लोग जो है इसमें मतलब कि अपना कस्टम वाटरमार्क भी लगा सकते हैं। पेज के नीचे यहाँ पर आपका नाम या ब्रांडिंग वगैरह जाता है तो यहाँ से ये भी कर सकते हैं। अपना जो है आईडी वगैरह भी स्कैन कर सकते हैं, तो आईडी स्कैन करने का भी काफ़ी अच्छा फीचर है। देन आप सिग्नेचर वगैरह भी यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं। अगर आप अपने ऑनलाइन फॉर्म के लिए सिग्नेचर स्कैन करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर आप अपने जो सिग्नेचर होते हैं उनको भी स्कैन जो है वो कर पाएंगे और अपने फॉर्म में लगा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना, और इन सभी चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप अपने आसपास साफ़ सफाई का ध्यान रखें। स्वच्छ भारत बनाएं। जय हिंद, जय भारत।